हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल सिनेमा एक्सप्लेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आ गई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इरफान खान को दिखाया जाता है, जिसका नाम इस मूवी में पाई पटेल होता है और वो कनाडा में रहते हैं। पाई के अंकल एक राइटर को पाई के पास भेजते हैं क्योंकि वो राइटर 2 साल से एक बुक लिख रहा था और 2 साल बाद भी वो कुछ नहीं लिख पाता और सब कुछ फाड़कर फेंक देता है। पाई के अंकल उस राइटर को कहते हैं कि पाई के पास एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हें भी भगवान पर विश्वास हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद वो राइटर पाई के पास उसकी स्टोरी सुनने के लिए जाता है। अब ये सुनकर पाई बोलते हैं कि मैं तुमको अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ, पर इसका पता नहीं कि तुमको भगवान पर विश्वास होगा या नहीं। बहुत टाइम से मैंने किसी से भी रिचर्ड पार्कर के बारे में बात नहीं की है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाई एक छोटे बच्चे हैं और उनका नाम एक स्विमिंग पूल के नाम पर उनके मामा जी ने रखा था क्योंकि उनको स्विमिंग बहुत पसंद था। इसीलिए पाई का बचपन का नाम पिसिन पटेल था, लेकिन उन्हें स्कूल में सभी पिसिंग कहकर चिढ़ाते थे जिसका मतलब टॉयलेट करना है। इसी कारण पाई बचपन में अपना नाम पिसिन से पाई रख देते हैं। पाई का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था और वो बचपन में पौंडिचेरी में रहते थे। वे सभी धर्मों को बहुत श्रद्धा से मानते थे। वो नमाज पढ़ते, चर्च जाते और पूजा भी करते थे क्योंकि पाई की माँ पाई को उसके रिलीजन के बारे में नहीं बोलती और पाई सभी रिलीजन के बारे में जानना चाहते थे। और इसी से पाई ने सीखा कि कैसे भगवान से प्यार किया जाता है और भगवान पे विश्वास करना कितना जरूरी है। और पाई की माँ पाई को ये सब के लिए बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके पिता पाई को कभी भी सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं इन सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब फालतू चीजें हैं। पौंडिचेरी में पाई के पिता का एक जू था और उसमें कई प्रकार के बहुत सारे जानवर थे। उनमें से एक था बंगाल टाइगर जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। जब ये छोटा था तब ये पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है और तभी उसे एक शिकारी जिसका नाम रिचर्ड पार्कर है वो टाइगर को पकड़ लेता है और वो इसका नाम थ्रस्टी रखता है। पर जब उसे जू ले जाते हैं तब नाम इंटरचेंज हो जाता है, शिकारी का नाम पर ही उसे टाइगर का नाम रख दिया जाता है। एक दिन पाई रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से एक मीट का पीस खिलाना चाहता था। ये देखकर रिचर्ड पार्कर भी पाई के पास आता है। उसी समय पाई के पिता वहाँ आ जाते हैं और पाई को बहुत ज्यादा डांटते हैं और पाई को सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड पार्कर के केज में एक बकरी को बांध देते हैं। और रिचर्ड पार्कर उस बकरी को देखकर बहुत जोर से उसके तरफ दौड़कर आता है और उसे मार डालता है। ये सब देखकर पाई बहुत ज्यादा डर जाता है। रिचर्ड पार्कर के लिए पाई की थिंकिंग पूरी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पाई को दिखाया जाता है। पाई अब 16 साल का हो जाता है, तब वो एक लड़की आनंदी से मिलता है, उसको आनंदी से प्यार हो जाता है। उसके बाद पाई की फैमिली डिनर कर रही होती है, तब पाई के पिता बोलते हैं कि वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उनकी जू बंद हो जाती है। जिस जगह पे जू थी वो जगह किसी और की थी, सिर्फ जानवर पाई के पिता की थी। वो शिप से जानवरों को नॉर्थन अमेरिका में ले जाएंगे और वहाँ उन जानवरों को बेच कर कनाडा में कोई जॉब करेंगे। अब पाई इस बात के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो अपनी प्रेमिका आनंदी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर उसकी उम्र उतनी भी नहीं होती जिससे कि फैमिली पाई की बात मान सके। उसके बाद पाई अपनी फैमिली के साथ वो शहर छोड़कर शिप से चला जाता है। पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन होते हैं और पाई का भाई रवि और पिता नॉन वेजिटेरियन होते हैं और शिप में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है। इसी कारण पाई के पिता और शिप का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे वो मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद जब वो शिप सी के बीच होती है तब बहुत बड़ा तूफान आता है। उस समय पाई पटेल डेक में होता है और पाई की पूरी फैमिली रूम में थी। हालांकि पाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो शिप डूब रही थी और तभी क्रू मेंबर्स पाई को सेफ्टी बोर्ड में धक्का मारकर गिरा देते हैं और उस बोट पर एक ज़ेब्रा उस शिप से गिर जाता है जिसके कारण रस्सी टूट जाती है और उनकी सेफ्टी बोट सी में गिर जाती है। अब उस बोट में पाई और वो ज़ेब्रा होते हैं। उसके बाद पाई देखता है कि सी में कोई तैर रहा है, इसी कारण पाई एक ट्यूब सी में फेंकता है। जब वो ट्यूब खींचता है तब वो देखता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर है। पाई के ना चाहते हुए भी वो टाइगर बोट पर आ जाता है और पाई सी में कूद जाता है, लेकिन पाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता खुद को बचाने के लिए, इसलिए उसे फिर से बोट में आना पड़ता है। जब वो बोट में आता है तो उसे रिचर्ड पार्कर नहीं दिखता, उसे सिर्फ ज़ेब्रा दिखता है जिसका पैर टूटने के कारण वो अपने
अपनी जगह से नहीं हिल पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि तूफान शांत हो गई है और सुबह भी हो जाती है और बोट में पानी भर रहा था, इसीलिए पाइप पानी निकालता है। तभी बोट आधा कवर रहता है और उसमें से एक हाइना निकलता है और पाइप बोलता है कि नींद की दवाई का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है शायद, क्योंकि जानवरों की तबीयत सी में खराब हो जाती है, इसी कारण जानवरों को वो लोग नींद की दवाई दे देते हैं। उसके बाद वो हाइना पाइप पर अटैक करता है, पर पाइप बोट के ऊपर जहाँ कवर रहता है उसके ऊपर चला जाता है और एक लकड़ी से हाइना को मारता है। तभी पाइप देखता है कि सी में एक चिंपैंजी केले के बंच के ऊपर बैठा था और वो फ्लोट कर रहा था। पाइप उस चिंपैंजी की मदद करता है और उसे भी बोट में आने देता है। बोट में चिंपैंजी पाई के लिए खाना था, पर हाइना के लिए नहीं, क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है, इसीलिए वो रात को ज़ेब्रा को मार देता है। और पाई को भी हाइना से डर लगता है, इसीलिए वो बोट से डंडा निकला होता है और उसमें एक ट्यूब होता है, उसमें लटक कर रहता है। दूसरे दिन सुबह पाई खुद को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, फिर चिंपैंजी के साथ भी हाइना का लड़ाई हो जाता है, हाइना चिंपैंजी को भी मार डालता है। अब यहाँ पाई चिंपैंजी को बचाना चाहता था पर बचा नहीं पाता, और तभी रिचर्ड पार्कर बोट की कवर के अंदर से निकलता है और हाइना को मार डालता है। वो पाई पर भी अटैक करना चाहता था पर पाई बच जाता है, क्योंकि वो बोट के कवर पोर्शन के ऊपर चला गया था। उसके बाद वो उस प्लेटफॉर्म को रस्सी के द्वारा बोट से बांध कर सी में फेंक देता है और फिर रात भर पाई उसी प्लेटफॉर्म में गुजारता है। जब पाई को भूख लगती है तो वो बोट पे जाता है खाना लेने के लिए, और वहाँ पे एक मैप और मैनुअल बुकलेट भी मिलता है उसे, और उसमें सभी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन पाई को मैप देखना नहीं आता था, लेकिन तब पर भी पाई हार नहीं मानता। बुकलेट में दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को पाई फॉलो करता है। अब पाई को समझ आ गया था कि उसे बहुत लंबा सफर तय करना है और ऐसे वो रिचर्ड के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए वो रिचर्ड को ट्रेन करने का निर्णय लेता है। लेकिन वो रिचर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब खाने के लिए कुछ नहीं था। रिचर्ड पार्कर पहले ही हाइना और ज़ेब्रा को खा चुका था और पाई इसी कारण मछली पकड़ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर रिचर्ड को भूख लगा वो पाई को भी नहीं छोड़ेगा। अब रिचर्ड पार्कर सी में कूद जाता है मछली पकड़ने के लिए, पर वो मछली नहीं पकड़ पाता, इसीलिए वो पाई को खाने के लिए उसके पास आता है, पर पाई बोट पर चला जाता है और वो प्लेटफॉर्म भी बोट के ऊपर खींच लेता है, जिससे कि रिचर्ड बोट के ऊपर नहीं आ पाए। उसके बाद पाई कुढ़ारी से रिचर्ड को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और रिचर्ड को बोट में आने के लिए हेल्प करता है, लेकिन अभी भी रिचर्ड की भूख नहीं मिटी थी, इसीलिए उसके बाद पाई एक बड़ी सी मछली पकड़ता है और रिचर्ड को खाने के लिए दे देता है और भगवान विष्णु को धन्यवाद करता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एक बहुत बड़ी सी व्हेल वहाँ आती है, उसके जंप करने के कारण पाई का खाना और पानी सब सी में गिर जाती है और अब पाई के पास खाना पानी कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट डे पाई बोट पे कुछ लेने आता है और तभी रिचर्ड बाहर आ जाता है और अचानक से एक मछली बोट पे पाई के पास आ गिरती है। उस मछली को पाई रिचर्ड को खाने के लिए दे देता है, पर तभी वो मछली उड़कर भाग जाती है, एक्चुअली वो उड़ने वाली मछली थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारी मछलियों का झुंड उड़कर बोट पर गिर रही थी और छोटी मछलियों को खाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली बोट पर आती है और उस बड़ी मछली को देखकर रिचर्ड उसे खाने के लिए आता है, पर पाई उसे खाने नहीं देता और रिचर्ड को डराता है और उसे खुद से दूर भगाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाई वेजिटेरियन था, लेकिन सर्वाइव करने के लिए पाई मछली खा लेता है और पाई फिर से रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करता है और वो काफी हद तक रिचर्ड को कंट्रोल कर भी लेता है। उनको सी में खोए हुए बहुत दिन हो जाते हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन पाई अपने ख्यालों में ही गुम होता है और उसको हर जगह उसकी फैमिली दिखाई देती है और वो थोड़ा मोटिवेट होता है। उसके बाद एक रात बहुत जोर का तूफान आता है और दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं और जब वो तूफान शांत होता है तो दोनों का हालत बहुत खराब हो जाता है और खाने पीने का भी कुछ नहीं होता उनके पास। रिचर्ड एक ही जगह लेटा होता है और तब पाई उसके पास आता है, उसके सर को उठाकर अपने गोद में रखता है और रोने लगता है। उसके बाद एक सुबह जब पाई की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड के पास होते हैं। वहाँ पे खाना और पानी
पानी दोनों था, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। और वहाँ पाई कुछ जंगली सब्जियाँ खाता है और वहाँ बहुत सारे नेवले देखता है। और फिर वहाँ रिचर्ड पार्कर भी आ जाता है और नेवलों को खाने लगता है। उसके बाद पाई एक झील में नहाता है। फिर शाम को जब पाई एक पेड़ पर सोने का इंतजाम कर रहा था, तब वो देखता है कि सारे नेवले पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये चीज पाई को आश्चर्यजनक लगा और रिचर्ड पार्कर भी बोट में चला जाता है। रात को एक बार पाई की नींद टूट जाती है और पाई देखता है कि नदी में बहुत सारी मछलियां मरी हुई है और वो सारी मछलियां गल सड़ रही है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रात में वो पानी एसिड में चेंज हो जाता है। तभी पाई पेड़ पर एक फ्रूट देखता है और पाई वो फ्रूट तोड़ता है तो उसमें पाई को एक इंसानी दांत मिलता है। और अब पाई राइटर को बताता है कि वो आइलैंड एक कैनिबल आइलैंड था, यानी कि वो आइलैंड इंसान और जानवरों को खा लेता था। दिन में ये आइलैंड बहुत खूबसूरत लगता था लेकिन रात में बहुत खतरनाक था। नेक्स्ट डे पाई अपने बोट में बहुत सारा खाने का सामान और रिचर्ड के लिए नेवला रख लेता है, क्योंकि उसे ये बात पता होती है कि उसे बहुत लंबा सफर तय करना है। और फिर वो रिचर्ड को आवाज लगाता है और सीटी बजाता है। तब रिचर्ड पार्कर दौड़कर बोट पर आ जाता है। कुछ दिन और सफर करने के बाद दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो मेक्सिको के एक बीच तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड पार्कर बोट से उतरता है और जंगल की तरफ चला जाता है। पाई भी वही बीच पर पड़ा होता है और सोचता है कि रिचर्ड जंगल में जाने से पहले एक बार पलटकर जरूर देखेगा, पर रिचर्ड पलटकर नहीं देखता और ये चीज पाई को बहुत हर्ट करती है और वो वहीं पर बच्चे की तरह रोने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और पाई को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पाई उस राइटर को बोलता है कि भगवान मुझे हर कदम पर सहायता करते आए हैं, इसीलिए आज मैं बच पाया। उसके बाद जापानीज इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लोग आए थे, तब मैं ये पूरा कहानी उन्हें बताता हूँ। तब उन लोगों को मेरे बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा कहो जिससे हम तुम्हारे बातों पर विश्वास कर पाए। और पाई खुद से बनाकर दूसरी कहानी सुना देता है और उस कहानी पर उन्हें विश्वास हो जाता है। और उस कहानी का कॉपी अभी भी पाई के पास था और वो कॉपी उस राइटर को देता है। और पाई राइटर से पूछता है कि तुमको कौन सी कहानी अच्छी लगी। राइटर बोलता है कि रियल इंसिडेंट वाली जिसमें टाइगर है। राइटर पाई से पूछता है कि क्या आप मुझको ये कहानी लिखने देंगे, तो पाई कहता है हाँ जरूर। उसके बाद पाई की फैमिली आ जाती है और वो राइटर को अपनी फैमिली से मिलवाता है। ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।